मैं हूँ डबल डोगरी वाला, मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा। उड़ी मैं उड़ी, तो वो डबल उनकी धजिया उड़ा रहा था लेकिन वो वहां पे तालियां बजा रहे थे। ये बंदी जो है ना, ये 39 की एज में ना 79 वाली हरकतें करती है, बकवास कर रहा है। और वो डबल फारूक ने इनको उड़ा डाला भाई, वाह 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 वाह। कल की जो एपिसोड थी वो बिरयानी थी और अंकित उसमें इलायची थी। ट्रस्ट मी, सब कंटेस्टेंट्स में से मैं हूँ सबसे बड़ा शाणा, दुश्मनों के दिलों पे पड़ा छाला, बिग बॉस के शो को मैं अकेला चलाने वाला, कुछ को टनल तक और कुछ को कौवा बना डाला, मैं हूँ बनबर डोगरी वाला। ये शायरी भाई, ये जो है ना, ये मैंने नहीं की, ये की है इमरान ने, जो मेरे साथ लाइव बैठते हैं ना, ये उनकी शायरी है। तो भाई मैं उनको क्रेडिट दे रही हूँ, क्योंकि भाई वो मुनव्वर फारूकी के जो है ना वो डाई हार्ड फैन है, तो उन्होंने मुनव्वर के लिए शायरी लिखी और उन्होंने मुझे बोला कि भाई आप अपनी वीडियो में शायरी जरूर ऐड करेगा, तो दिस क्रेडिट गोज टू हिम। ओके, द स्टेज बिलोंग्स टू मुनव्वर फारूकी। कल की एपिसोड जो थी ना, उसमें जिस तरह से मुनव्वर फारूकी ने रोस्ट किया और ऐसा ग्रिल किया कि पूरे फ्लोर पे आग लगा दी भाई साहब। अब यहाँ पे मुनव्वर फारूकी ने सारे ही कंटेस्टेंट्स को थोड़ा 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 रोस्ट किया, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहूंगी कि बाकी के कंटेस्टेंट्स की अगर आप रोस्टिंग देखोगे ना, तो ये लोग कहते हैं कि मुनव्वर फारूकी में कोई बात नहीं है। अरे मुनव्वर में कोई बात नहीं है तो फिर आपकी सारी की सारी बात मुनव्वर पे क्यों है? हर कंटेस्टेंट का 70% जो कंटेंट था वो मुनव्वर फारूकी ही था, 70% उन्होंने रोस्टिंग मुनव्वर फारूकी के ही नाम पे की थी। वही तो बात है ना कि जिसमें कुछ बात होती है उसी की बात होती है। अब मुनव्वर फारूकी ने यहाँ पे एक बात कही कि भाई आयशा पे मैं बात इसलिए नहीं कर रहा कि मैं फेमस लोगों में बात करता हूँ, और आयशा को तो क्या है ना कि ना कोई नेम है, ना गेम है, ना फेम है। अब यहाँ पे जो आयशा आर्काइव रूम से टपकी थी और स्टेज से ही लो उड़ी मैं उड़ी, वहीं से उड़ ली आयशा। अब यहाँ पे आयशा ने जो ड्रेस पहना था, ड्रेस था इनका नागिन वाला, दिल भी काला फ्यूचर भी काला, और मुनव्वर फारूकी ने इनको उड़ा डाला भाई, वाह 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 वाह, मजा आ गया। आयशा खान की इविक्शन हो गई, वो भी किस बेसिस पे? जो ऑडियंस है ना, ऑडियंस उन्होंने पोलिंग करके आयशा खान को बाहर का रास्ता दिखा डाला भाई। ये वाला पार्ट मेरा हमेशा फेवरेट रहेगा कि किस तरह से बंदी आई थी और किस तरह से चली गई। वो हवा का झोंका थी, पता ही नहीं चला कब आई कब चली गई। अब यहाँ पे बात करेंगे कि मुनव्वर फारूकी ने अंकिता लोखंडे को जिस तरह से रोस्ट किया, बेसिकली अंकिता लोखंडे को तो रोस्ट नहीं किया था, उनके सैया को रोस्ट किया था, लेकिन वो खुद ब खुद ही वहां पे ग्रिल हो रही थी। अब यार यहाँ पे अंकिता की मैं एक बात कहूंगी, इतनी बड़ी वो टीवी स्टार कहती है, ये कहती है वो टीवी स्टार हूँ, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, ये सेलिब्रिटी ऑडियंस के सामने जिस तरह की मुंह बनाई थी, बकवास कर रहा है, क्या कर रहा है, अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। इस बंदी को इतना भी एहसास नहीं था कि ऑडियंस बैठी हुई है, इस पर कैमरा है, इसको लोग नोटिस कर रहे हैं, वो बना रही है, जेलस हो रही है भाई। मैं कहती हूँ ये बंदी जो है ना, ये 39 की एज में ना 79 वाली हरकतें करती है, लिटरली 79 की एज में जब इंसान बिल्कुल ही एक होता है ना, कि आप उस एज के उससे पहुंचते हो जब आपको बिल्कुल अपनी बॉडी पे, अपने एक्सप्रेशन पे, अपनी सोच पे कोई काबू नहीं रहता, इसको अगर आप नोटिस करोगे ना, इसकी वो वाली हालत लगती है मुझे। उसको देखोगे ना बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि भाई क्या करिए, अजीब सी हरकतें, मतलब क्या है अंकिता, रिलैक्स बेबी रिलैक्स, मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा, व्हाट इज दिस बिहेवियर अंकिता, क्या है ये ड्रामा। यहाँ पे हम बात करेंगे ईशा की। भाई ईशा आप क्या करना चाह रही थी, बार बार बोल रही थी क्या हो मुनव्वर, क्या हो क्या हो क्या हो, मेरा दिल करता है पूछो ईशा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ आपको। ईशा क्या है ना कि छोटे पैकेट में बड़ा धमाका और इनकी वजह से चिड्डू को बड़ा चाटा। अब इस बंदी का धमाका किस सेंस में आपको बताती हूँ, धमाका नॉट इन यू नो लाइक के पर्सनालिटी में, कोई गेम में, कुछ धमाका नहीं है, धमाका बस इसमें कि लड़कों की लाइफ में जो है ना धमाके करती रहती है। ये मुनव्वर फारूकी की लाइफ पे बात कर देना, मुनव्वर फारूकी टू टाइप से बात करती है, खुद इनकी कितनी टाइमिंग है वो सच में मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। तभी कल शो में इनकी भी टाइमिंग खत्म हुई और ये भी कवाबत के मैं उड़ी उड़ ली। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मनारा चोपड़ा की। अब यार देखो वहां पे मैंने एक चीज देखी कि मनारा जो है ना, मुनव्वर को जब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, मुनव्वर के लिए मुनव्वर मुनव्वर रूट कर रहे थे, तब मनारा चोपड़ा हर बार खड़े होके जो है ना वो तालियां बजाई थी। भाई इस बंदी का क्या है ना कि पीछे तो गाली देती है लेकिन मुंह पे ताली मारती है, इसकी ये बात अच्छी है कि चलो यार कोई बात नहीं, आदत है पीछे बुराइयां करने की, लेकिन सामने जो है ना वो मुनव्वर के लिए तालियां ही बजाई थी। वाहिद बंदी थी जो खड़े होके बार बार मुनव्वर को जो है अप्रिशिएट करी थी, और अभिषेक कुमार दोनों जो है ना मुनव्वर फारूकी के लिए खड़े हो रहे थे दिल से, जैसे कहते हैं ना तालियां बजाए थे। और विक्की भैया को तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई विक्की भैया किस बात पे तालियां बजा रहे थे, क्योंकि मुनव्वर उनकी धजिया उड़ा रहा था लेकिन वहां पे तालियां बजा रहे थे, लाइक लिटरली वो सीन देखने वाला था कि मेरी बेबसी देखो कि मैं क्या चाहता हूँ। मुनव्वर के बाद जो जबरदस्त रोस्टिंग की थी ना वो अभिषेक ने की थी भाई, अभिषेक ने जो है ना वो बहुत बहुत ही जबरदस्त किया था, हालांकि ये उसका कोटे नहीं है पर उसने बहुत अच्छा जो है ना वो परफॉर्म किया था भाई। और अभिषेक के बाद अगर किसी ने अच्छा परफॉर्म किया था तो आई थिंक मैं मनारा को कह सकती हूँ, लेकिन मैं अंकिता को नहीं कह सकती, बिकॉज अंकिता लिटरली पढ़ रही थी, वो रीड कर रही थी, बट
अंकिता इस काइंड ऑफ पर्सन की भाई जो होता है ना कि भाई मेरी तारीफ करो, बस मुझे अप्रिशिएट करो, बस मुझ पे लाइट रहनी चाहिए, बस मैं। अंकिता का कल की एपिसोड में देख के जितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई ना, ये होते हैं टीवी के स्टार, इन्हें कहते हैं आप स्टार। भाई स्टार तो मुनव्वर जैसे होते हैं, अभिषेक जैसे होते हैं, वदाना जैसे होते हैं, जो ऑडियंस के साथ में बिहेव करना चाहते हैं कि ऑडियंस आई है तो किस तरह बिहेव करना है। स्टार तो इनफैक्ट उस वक्त विकी भैया भी लग रहे थे जो ऑडियंस के सामने मेच्योर बिहेव कर रहे थे, और उनकी वाइफ जो उन सारे कंटेस्टेंट्स में सबसे ज्यादा सीनियर है, जो सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो जिस तरह का बिहेव कर रही थी ना, इट वॉज वेरी यू नो लाइक कि भाई आप बिरयानी खा रहे हो, मुंह में इलायची आ गए, वो वाली हालत थी। कल की जो एपिसोड थी वो बिरयानी थी और अंकिता उसमें इलायची थी, ट्रस्ट मी।